वायरस ने देश को अपने चक्रव्यूह में फंसाया तो लोगों की जिंदगी बचाने की जिद्दोजहद शुरू हुई। 140 करोड़ लोगों के हित के लिए सरकार ने लॉकडाउन का रास्ता अपनाया, लेकिन इससे देश की इकोनॉमी ठप पड़ गई। लाखों कामगार सड़क पर आ गए। आलम यह है कि आज गरीब मजदूरों को राशन देने और उनके पुनर्वास में ही सरकारों की कमर टूटती नजर आ रही है। इसी वजह से सरकार ने शराब की दुकानों के साथ तमाम जरूरी चीजों की दुकानें धीरे धीरे खोली हैं। इसी वजह से सरकार शराब की दुकानों के साथ साथ तमाम जरूरी चीजों की दुकानें धीरे धीरे खोल रही है। जो इलाके ग्रीन और ऑरेंज जोन में हैं, वहां आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। एक अनुमान के मुताबिक 3 मई तक के लॉकडाउन में ही करीब 234 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान देश को हुआ है। वायरस की मार का असर ऐसा हुआ है कि साल 2020 की जीडीपी 2% से भी नीचे सिमट सकती है। अंदेशा तो इसके 1% से भी नीचे रहने का है। हालात नहीं सुधरे तो देश में बेरोजगारी 20% तक बढ़ सकती है। सवाल ये है कि अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिलेगी कैसे। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर खनन, कृषि, विनिर्माण और उपयोगिता क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। शहरों में फैक्ट्रियां फिर से शुरू करने के लिए डिमांड जरूरी होगी, लेकिन लगता नहीं कि आने वाले कुछ महीनों में जरूरी चीजों के अलावा किसी और क्षेत्र में डिमांड बढ़ेगी। हालांकि एक अनुमान ये भी है कि अगर चीन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर लामबंदी होती है तो भारत से जरूरी चीजों की डिमांड बढ़ सकती है, जिससे हालात जल्द सुधर सकते हैं। हमें दो तरह से सोचना होगा, लॉन्ग टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म गेन्स। शॉर्ट टर्म गेन्स में आप हमारी इकोनॉमी को सुधारने का सोच सकते हो, और लॉन्ग टर्म गेन में हम एक मनुष्य जाति को बचाने का सोच सकते हैं। 40 दिन के लॉकडाउन ने देश की आर्थिक हालत खराब कर दी है। राज्य सरकारों के पास कर्मचारियों को वेतन के लिए पैसे नहीं है। सारा राजस्व कोरोना से जंग लड़ने में खर्च हो रहा है, लेकिन चिंता इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग भुखमरी की कगार में पहुंच जाएं और गरीबी चरम पर पहुंच जाए। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता संक्रमण की रफ्तार बढ़ने को लेकर है। देश में कोरोना संक्रमण की संख्या 42,500 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में ही 2,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 1,300 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि मरीजों की रिकवरी का रेट 27% से ज्यादा हो गया है, जो अच्छा संकेत है। रिकवरी के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 पर है। इस वक्त देश में 9 राज्य ऐसे हैं जहां 1,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस हैं, जबकि गुजरात दूसरे नंबर पर है। आर्थिक गतिविधियों को छूट देने से हालात बिगड़ने की आशंका है। सभी की नजर आने वाले 2 हफ्तों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Your favorite news channel Zee Hindustan is now available in Tamil and Telugu. To switch language, press the language button on your remote. Choose Tamil or Telugu as your preferred language and press OK. Zee Hindustan is available on these platforms. In case of any trouble in viewing the channel, please call your cable or DTH service provider or WhatsApp to 85888-06221. आपका मनपसंद न्यूज चैनल जी हिंदुस्तान अब तमिल और तेलुगु में भी उपलब्ध है। भाषा बदलने के लिए अपने रिमोट पर लैंग्वेज का बटन दबाएं, तमिल या तेलुगु को अपनी पसंदीदा भाषा के तौर पर चुनें और ओके का बटन दबाएं। जी हिंदुस्तान इन सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। चैनल देखने में किसी तरह की परेशानी होने पर कृपया अपने केबल ऑपरेटर या डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर को फोन करें।